ला करके यहाँ पर मंदिर में रख सकते हैं। हमने कहा उसकी जोनिंग कैसे होगी सिटी से, कहा वो आप करवा लेंगे, आप सिटी में सबको जानते हैं। मैंने कहा ठीक है, कौन उसकी देख रेख करेगा, कहा हम लोग देख रेख करेंगे। तो प्रभु जी मैंने टेम्पल मैनेजमेंट से कहा कि आप मुझे अनुमति दीजिए, दो गाय हम लाना चाहते हैं। मैनेजमेंट ने कहा ठीक है। उनका जोनिंग, हमने कहा आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं जोनिंग ऑफिसर से मिलने गया सिटी ऑफ चैंडलर में, वही माता जी जो 1996 में मंदिर बनने के लिए आए, बनते समय आई थी, जिन्होंने स्पेशल जोनिंग दी, क्योंकि जहाँ मंदिर है ये इंडस्ट्रियल जोन है, स्पेशल रिलीजियस पर्पज़ के लिए उन्होंने एक्सेप्शन किया और उन्होंने जोनिंग हमें दिलवा दी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उस माता जी से हम मिले, उनका हाँ हम आपको जोनिंग दे देंगे, ये $700 फीस आप दे दीजिए, फॉर्म दे दीजिए, जैसे आप चाहें वैसे आप इस बिल्डिंग में अटैचमेंट कर दें और आपको हम 3 महीने के अंदर दिलवा देंगे सारा परमिशन। ये खबर मैंने माता जी को ला के दी। किसको माता जी? प्रेमधात्री माता जी को, टेम्पल प्रेसिडेंट को, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि जाइए आप ये सब ऑन बिहाफ ऑफ टेम्पल कीजिए। फॉर्म उनको दे दिया, पैसे की बात आई, 2-3 दिन के बाद उनका जवाब आता है, यू डोंट हैव माई परमिशन टू डू एनीथिंग। मैंने कहा ठीक है माता जी, जैसा आप कहिए। अब 20 लोग कंग्रीगेशन के मुझसे कहने लगे कि ये दो गाय तो तुमने खरीद ली है, अगर तुम नहीं खरीदते तो ये तो कसाई घर जाती, $700 दे करके, $700 दे करके, तो अब इनको जहाँ खरीद ली है वहीं उनकी सेवा करो, हम लोग पैसे देंगे। तो वो जगह बहुत दूर थी, यहाँ से 70 मील थी विटमैन में। तो 10 दिन के अंदर प्रभु जी हम लोग विटमैन से गायों को लेते आए मैरिकोपा में, मैरिकोपा में लेते आए, और मैरिकोपा में बड़े प्रेम से गायों को रखा। वो मंदिर से 20 मील दूर है और वहाँ अच्छे और सस्ते खर्च पर एक कपल ने अपने बाड़ में रख लिया $150 पर। तो बहुत खुश हुए हमारे पुजारी जब हम मंदिर होते हुए गायों को लेके गए, सब ने कीर्तन किया, सब ने गायों की आरती की। वो वीडियो हम आपको भेज सकते हैं, पिक्चर आपको भेज सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं प्रभु जी, हम लोग वही काम कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी चाहते हैं। हम किसी के साथ विद्वेष नहीं रखते गुरुदेव, हमारा कोई सवाल ही नहीं विद्वेष का। हम न प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, न GBC बनना चाहते हैं, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, तो ये हमारा उद्देश्य है। और हम लोग आपका आशीर्वाद चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें कि ये गौशाला पहली गौशाला एरिजोना की, ये है सेंट एन वैली में, ये गणपति महाराज कहते हैं सेंट एन छोड़ो सनातन हो सनातन SANTAN। तो आप सुनिए बातें मेरी, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार कर रहे हैं, हरि प्रभु का आभार कर रहे हैं, सौम्य का आभार कर रहे हैं। आप इतने व्यस्त हैं और हम आपके दर्शन करेंगे, आपके चरण को रख लेंगे जब हम निगर किया हमें, हमारा दोनों बच्चे राम और बलराम और कृष्ण इस समय माता यशोदा की तरह चलेंगे आप कहना, इसका दूर की है, क्योंकि जो असली माता है वो है लैला रानी। वो लैला रानी किसी कारणवश अपना दूध कृष्णा को पीने नहीं देती, उसी से माती भी है। तो आजकल लैला रानी को दुहने में तो कोई कठिनाई नहीं है, शुरू में दुहने में भी कठिनाई थी, दुलक्की माती थी। आप बिहार के हैं शायद, हेलो हेलो, लुक्स लाइक लाइन या एंड दिस फोन इज डेड, फोन इज डेड, सी दिस इज द प्रॉब्लम, सी फोन गॉट डेड, दैट्स ओके। So whatever I was speaking was...